नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। पेश है ये खास रिपोर्ट। बल्लभगढ़ रोडवेज के जीएम की तानाशाही रवैये से खफा हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने किया बस डिपो पर रोष प्रदर्शन। चोर का बच्चा, हाय हाय, चोर का बच्चा, हाय हाय, बेबी रोवे, हाय हाय, बच्चे रोवे, हाय हाय, कर्मचारी रोवे, हाय हाय, जीएम मर जा, हाय हाय। रोडवेज वर्कर यूनियन के प्रधान राज सिंह सरोद, उप प्रधान संतराम लांबा, जय सिंह गिल, लेखराज चौधरी, करमबीर यादव, राजराम ठाकुर, करतार सिंह, अशोक कुमार आदि कर्मचारी नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर रोडवेज जीएम व हरियाणा सरकार परिवहन मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। हरियाणा सरकार की वादा खिलाफी और रोडवेज के निजीकरण और रूट परमिट और जो ये 720 किलोमीटर के हिसाब से बसें चला रही है गवर्नमेंट, इसके खिलाफ आज पूरे हरियाणा प्रदेश में रोडवेज का कर्मचारी दो दिवसीय हड़ताल पर 16 और 17 अक्टूबर को पूरे हरियाणा प्रदेश में रोडवेज की बसों का चक्का जाम करेगा। इन्हीं मांगों को लेकर आज हमने बल्लभगढ़ में अपने डिपो पर शांतिपूर्ण तरीके से जीएम साहब से मिलने की बात करने की कोशिश की, तो जीएम साहब ने हमारे 10 कर्मचारी नेताओं को सस्पेंड कर दिया और यूनियन के 4-5 जो हमारे दफ्तर बने हुए हैं हरियाणा रोडवेज में, उन दफ्तरों को सील करने का काम इस जीएम ने किया है। इस जीएम की तानाशाही, बल्लभगढ़ जीएम भूपेंद्र कुमार की तानाशाही के खिलाफ आज हरियाणा रोडवेज ने चक्का जाम का ऐलान, जो कल से शुरू होने वाला था, एक दिन पहले ही शुरू कर दिया है, जिसकी सीधे तौर पर जिम्मेदारी बल्लभगढ़ के अपना रोडवेज के जीएम भूपेंद्र सिंह की होगी। अगर यहाँ किसी तरह की शांति व्यवस्था भंग होती है, सीधे तौर पर इसके तानाशाही रवैये के कारण होगी। इसने डंडा लेकर कर्मचारियों के साथ जो अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया, उसके खिलाफ आज पूरे बल्लभगढ़ डिपो का कर्मचारी इसके खिलाफ संघर्ष कर रहा है और इस संघर्ष की कड़ी में हरियाणा कर्मचारी महासंघ के सारे प्रतिनिधि मंडलों ने पूरा इसको समर्थन दे रखा है और जितने भी साथी हमारे रोडवेज के हैं, इनके साथ हरियाणा कर्मचारी महासंघ अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर सारे साथियों के साथ इस दो दिवसीय हड़ताल को अपना पूर्ण समर्थन देता है। अब तक की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।